बच्चों कैसे हो आप उम्मीद है अच्छे होंगे आज का हमारा टॉपिक है समीश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण भाग तीन इसमें हम पढ़ेंगे समीश्र संख्याओं का मापांक व मापांक के गुण समीश्र संख्याओं का संयुग्मी व संयुग्मी के गुण आर्गन तल और ध्रुवीय निरूपण और इनके ऊपर आधारित प्रश्न समीश्र संख्या का मापांक व इसके गुण प्रत्येक संख्या z बराबर a प्लस आइटा बी के लिए z का मापांक मोड जेड इसको बेटा मोड जेड बोला जाएगा मोड जेड से दर्शाया जाता है मोड जेड का मान क्या होगा वर्गमूल a की दो प्लस b की दो a यहाँ पे क्या है वास्तविक भाग और b यहाँ पे क्या है काल्पनिक भाग तो मोड जेड बराबर किसके आएगा वास्तविक भाग की दो प्लस काल्पनिक भाग की दो उदाहरण के लिए यदि जेड को मैं माइनस दो माइनस तीन आइटा ले लूं तो मोड जेड यानी कि समिशर संख्या जेड का मापांक बराबर क्या आएगा वर्गमूल इसका वास्तविक भाग माइनस दो तो माइनस दो की दो प्लस काल्पनिक भाग काल्पनिक भाग में माइनस का चिन्ह भी आपने साथ में लेना है माइनस तीन माइनस तीन की दो तो माइनस दो की दो कितना हो गया चार माइनस तीन की दो नौ तो चार प्लस नौ बराबर वर्गमूल तेरह तो इसका जो मापांक है वो आपका वर्गमूल तेरह आया समिश्र संख्या का संयुग्मी प्रत्येक समिश्र संख्या z बराबर a प्लस आइटा बी के लिए z का संयुग्मी z बार इसको हम z बार बोलेंगे z बार द्वारा दर्शाया जाता है z बार बराबर a प्लस आइटा बी का बार बराबर इसको अब कैसे निकालना है बच्चों यहाँ पे जो आइटा का चिन्ह होगा यहाँ पे आइटा का चिन्ह ए प्लस आइटा बी में प्लस लिया हुआ है तो यहाँ पे प्लस को हम माइनस कर देंगे और माइनस को हम प्लस कर देंगे तो आइटा का चिन्ह बदल के उसका स्ुग ज्ञात किया जाता है उदाहरण के लिए यदि जेड बराबर माइनस दो माइनस तीन आइटा हो तो जेड बार किसके बराबर होगा माइनस दो माइनस तीन आइटा का बार तो यहाँ पे बच्चों जब इस बार को हटाएंगे तो ये जो माइनस का चिन्ह है ये हम माइनस की जगह प्लस करते हैं प्लस की जगह माइनस ये जो वास्तविक भाग का चिन्ह है माइनस दो दो के आगे जो माइनस लगा है वास्तविक भाग में है इसको आपने नहीं बदलना काल्पनिक भाग में आयटा के आगे जो चिन्ह लगा है माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस की जगह माइनस हो जाएगा अगर ये जेड बराबर तीन प्लस चार आइटा होता तो इसका संयुक्त जेड बार बराबर तीन माइनस चार आइटा लिखेंगे यहाँ पे आइटा प्लस का है तो आइटा को हम माइनस का कर देंगे समिशर संख्या का मापांक वह सी के गुण पहले हम मापांक के गुण देखते हैं तो जेड वन गुना जेड टू का मापांक यानी दो समिशर संख्याओं को गुना करके उनका मापांक लिया हुआ है बराबर आएगा जेड वन का मापांक गुना में जेड टू का मापांक दूसरा गुण जेड वन बटे जेड टू दो समिश्र संख्याओं को हमने भाग किया है जेड वन बटे जेड टू उसका इकट्ठे का मापांक बराबर जेड वन का मापांक बटे में जेड टू का मापांक यहाँ पे हम जेड टू को जीरो के बराबर नहीं लेके चलेंगे क्योंकि अगर नीचे जीरो आ गया तो वो अपरिभाषित हो जाएगा तो नीचे जो जेड टू है वो जीरो नहीं होना चाहिए तीसरा है गुण पहला है अगर जेड का संयुग्मी ले लूँ और उसका फिर से संयुग्मी ले लूँ तो वो जेड के बराबर ही आता है चौथा है जेड वन प्लस माइनस जेड टू सारे का स्युगमी यानी कि या तो हम इसको जोड़ेंगे या इसको घटाएंगे। जोड़ेंगे तो भी संयुग्मी अलग अलग हो जाएगा जेड वन प्लस जेड टू अगर मान लो मैंने जोड़ लिया दोनों को तो जेड वन बार अलग अलग हो जाएगा ये जेड वन के ऊपर और जेड टू के ऊपर और अगर मैं इसकी जगह जोड़ने की जगह इन दोनों को माइनस करूं इनको घटाऊंगा तो भी वो अलग अलग हो जाएगा पांचवा है जेड वन गुना जेड टू यानी कि दोनों को पहले गुना करके उनका स्योगी ले लूँ और या जेड वन का स्योगी पहले ले लूँ और जेड टू का ले लूँ पहले फिर उनको गुना करूँ जेड वन बार गुना जेड टू बार तो इकट्ठे का जो स्योगी है वो अलग अलग हो जाता है जेडवन बटे जैट टू भाग में भी ऐसा होगा जेडवन बटे जैट टू का सारे का स्ग् यानी जेडवन जैट टू को पहले भाग कर लें भाग करने के बाद उनका स्युग् लें या पहले जैड वन का स्वग् ज्ञात कर लूँ और जेट टू का सुग्मी ज्ञात कर लूँ फिर दोनों को भाग करूँगा तो वो बराबर आएगा सातवां जो गुण है वो दोनों का हम सुग्मी और उसको इकट्ठा लेके चलते हैं जेड का जो मापांक है जेड का मापांक बराबर आएगा जेड के सियुगमी के मापांक के बराबर आठवें में जेड और जेड के सियमी को जब गुना करेंगे बराबर आएगा जेड के मापांक के वर्ग के तो बच्चों ये मापांक और संयुग्मी के कुछ गुण हैं इनको हम आगे प्रश्नों में प्रयोग करेंगे आर्गन तल बच्चों हमने कक्षा नौवीं में निर्देशांक ज्यामिति में बिंदुओं को कार्तीय तल पर निरूपित करना सीखा था जैसे कि यहाँ पे मैंने उदाहरण के तौर पे कुछ बिंदु लिए हैं बिंदु ए दो चार बी जो है माइनस दो और तीन है सी जीरो और एक ई वाला डी बिंदु दो और जीरो जो एक्स अक्ष पर है ई e, माइनस पाँच माइनस दो यहाँ पर है एफ़ बिंदु मा एक और माइनस दो तो हमने ये सीखा था ये बिंदु कार्तिया तल में किस चतुर्थांश में आएंगे और इनको कैसे हमने निरूपित करना है अब हम इसका प्रयोग समिश्र संख्याओं में करेंगे इसी तरह तल जिसमें प्रत्येक बिंदु को एक समिश्र संख्या द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है जैसे हमने वहाँ पे बिंदुओं को दर्शाया था उसी तरह से अगर मैं कोई समिश्र संख्या जेड बराबर x प्लस आयटा वाई या उदाहरण के तौर पे तीन प्लस चार आयटा ले लो तो यहाँ पे वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग से हमारे पास एक बिंदु प्राप्त होता है उस बिंदु को हमने उसी तरह से जैसे कक्षा नौवीं में किया था कार्तीय तल में किया था वैसे यहाँ पे हमने दर्शाना है तो उसको हम आर्गन तल या समिश्र तल कहेंगे तो ऐसा तल ऐसा तल जिसमें प्रत्येक बिंदु को एक समिश्र संख्या द्वारा निर्दिष्ट किया गया तल, तल कहलाता है यानी कि वही हमारा कार्तीय तल है वही हमने सब कुछ वैसे ही करना है यहाँ पे हमारे पास हमें समिश्र संख्याएं दी जाएंगी हमने इस समिश्र संख्या को एक कार्तीय तल में निर्दिष्ट कर दिया दिखा दिया तीन और चार तो ये मेरे पास समिश्र तल कहलाएगा या आर्गन तल कहलाएगा आर्गन तल पर समिश्र संख्या z बराबर एक्स प्लस आइटा वाई को बिंदु एक्स वाई द्वारा यहाँ पे मैंने दिखा दिया मान लो ये मेरे पास P बिंदु है इस P बिंदु को मैंने जो P बिंदु के निर्देशांक हैं वो x और y होंगे जैसे हमने वहाँ कक्षा नौवीं में किया था वैसे ही हमने यहाँ पे करना है तो इस P बिंदु के निर्देशांक मेरे पास एक्स वाई हैं तो ये P बिंदु इस समिश्र संख्या x प्लस आइटा वाई को दर्शाएगा यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इस यहाँ से एक त्रिभुज बना लूँ सम कौन त्रिभुज तो ये वाला जो इसका करण है ये लाइन ओ पी रेखा ओ पी रेखा को हम उस समीशर संख्या का मापांक कहते हैं इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि यदि ये ओ मान लो ये ए है इसको मैं एक्स मान लूँ और इसको मैं वाई मान लूँ तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे जो ओपीकरण आएगा वो एक्स की दो प्लस वाई की दो के बराबर आएगा जो आपका ओ इस थीटा का मैं प्रयोग कर रहा हूं तो इस कोण के लिए ओ ए मेरे पास आधार हो गया ए बी मेरे पास लंब हो गया तो आधार की दो प्लस लंब की दो का जो वर्गमूल है वो करण के बराबर आता है तो ये जो एक्स की दो प्लस वाई की दो आ गया यानी कि इस समिश्र संख्या जेड में एक्स वास्तविक भाग वास्तविक भाग की दो प्लस वाई यानी कि काल्पनिक भाग की दो का वर्गमूल आ गया इसे हम मापांक कहते थे मापांक को यहाँ पे हम जेड मोड जेड या आर से लिखेंगे और ये जो मेरे पास इस त्रिभुज के अंदर कौन बना ठिटा जिसको दिखाया गया है इस कौन को हम आयाम या कोनांक कहेंगे इस कौन का नाम है इस कोण का नाम है आयाम या कोनांक समीशर संख्या का ध्रुवीय निरूपण आइए देखते हैं समीशर संख्या का ध्रुवीय निरूपण कैसे किया जाता है माना बिंदु पी एक्स वाई जेड बराबर एक्स प्लस आइटा वाई को निरूपित करता है तो इस समीशर तल में इस आर्गन तल में ये बिंदु P समीशर संख्या जेड को दर्शा रहा है यहाँ पे इस त्रिभुज को पूरा करेंगे ओ पी क्यू त्रिभुज के अंदर ओ पी क्यू त्रिभुज में ये हमारा करण है क्योंकि ये कौन नब्बे डिग्री का हो गया अगर ये करण है तो करण पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स की दो प्लस वाई की दो तो इसको हमने मापांक कहा था तो मापांक को जेड से लिखेंगे या यहाँ पे हम आर से लिखेंगे अगर ये पी बिंदु के निर्देशांक एक्स और वाई ले लूँ तो ये वाला ओ क्यू मेरे पास एक्स हो जाएगा और pq जो है वो y हो जाएगा ये x है और ये y है तो समकोण त्रिभुज opq opq में समकोण त्रिभुज opq में x बटे r यानी कि आधार बटे में कर्ण आधार बटे कर्ण करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा cos cos थीटा तो x बराबर इस r को यहाँ हर में है उस तरफ लेके जाऊंगा तो r गुना cos थीटा हो जाएगा तो x का मान क्या आ गया r cos थीटा उसी तरह से वाई बटे आर यानी लंब बटे करण लंब बटे करण वाई बटे आर तो वाई बटे आर बराबर क्या हो गया साइन थीटा लंब बटे करण क्या होता है साइन थीटा तो ई आर उधर साइन थीटा की तरफ लेके जाएंगे यहाँ पे आर ये भाग का तो उधर जाके गुना का हो जाएगा तो वाई बराबर क्या आ गया आर साइन थीटा वाई का मान आ गया आर गुना साइन ठीठा तो यहाँ से इस त्रिभुज में हमारे पास x और y के मान आ गए x बराबर आ गया r cos थीटा और y बराबर आ गया r sin थीटा ये x और y के जो दो मान हैं हम यहाँ z में भर देंगे इस x की जगह पे x का मान y की जगह पे y का मान तो हमारे पास क्या आ जाएगा z बराबर x का मान भरा r cos थीटा y का मान भरा r sin थीटा तो z बराबर मेरे पास आ गया आर कोसठिटा प्लस आइटा आर साइन थीटा इस आर को बाहर कॉमन लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा कॉस्टिटा प्लस आइटा आर साइन थीटा ये इस समिश्र संख्या जेड का ध्रुवीय निरूपण है इसे हम शॉर्ट में थीटा से भी लिखते हैं सि सी आई एस थीटा कॉस ठीटा प्लस आइटा साइन ठीटा कॉस सी फॉर कॉस आई फॉर आइटा एस फॉर साइन और थीटा सिस ठीटा से इसको शॉर्ट में लिखा जाता है जेड बराबर आर कॉस ठिटा प्लस आइटा साइन ठिटा जो कि हमारे पास समिश्र संख्या जेड का ध्रुवीय निरूपण आया था में आर क्या था बच्चों आर हमारे पास जेड का मापांक था अब जेड का मापांक अगर हमें त्रिभुज नहीं दी हुई हमें समिश्र तल या आर्गंड तल नहीं दिया हुआ हमें जेड बराबर दिया हुआ है कुछ मान लो एक प्लस दो दिया है तो यहाँ पे जो x है उसको मैं एक लेके चलूँगा और y को दो लेके कर चलूँगा तो मेरे पास z का मापांक उसको हम यहाँ पे r से लिखेंगे z का मापांक जो है वो वर्गमूल x की दो प्लस y की दो के बराबर आएगा और जो ठिट्टा था बच्चों आर्गन तल के अंदर जो मेरे पास ये कौन आया था ठिटा इस बिंदु को p, q और ये आपका मूल बिंदु ओ हो गया ये थीटा इस थीटा को हम कोनांक या आयाम कहते हैं इसको ए आर जी जेड या ए एम पी जेड से लिखा जाता है ए आर जी का मतलब बच्चों इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट से आर्ग्यूमेंट से हमने ए आर जी ले लिया ए आर जी जेड से लिखेंगे या एम्पलीट्यूड ए एम पी कहां से आया से आया तो इस कोनांक या आयाम को इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड कहा जाता है वहाँ से हमने ए आर जी उठाया ए आर जी जेड या ए एम पी जेड एम्पलीट्यूड जेड या आर्ग्यूमेंट जेड इससे इसको लिखते हैं किसी समीश्र संख्या में यदि जो थीटा का मान है वो माइनस पाई या पाई से छोटा या बराबर है माइनस पाई से बड़ा है और पाई से छोटा या बराबर यहाँ पे बराबर नहीं है यहाँ पे बराबर है तो उसको थीटा का मुख्य आयाम यानी कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड अगर इंग्लिश में बोलें तो थीटा का मुख्य आयाम कहा जाता है इसके ऊपर हमने बच्चों प्रश्न हल करने होंगे कि किसी समीश्र संख्या का आयाम निकालो या फिर उसका कोनांक निकालो या फिर उस समीशर संख्या को ध्रुवीय निरूपित करो उदाहरण के लिए समिश्र संख्या जेड बराबर एक प्लस वर्गमूल तीन आयटा को ध्रुवीय रूप में निरूपित कीजिए तो ध्रुवीय रूप में निरूपित करने के लिए इसको हम जेड बराबर जैसे कि हमने पहले देखा था एक्स प्लस आइटा वाई में देखें तो एक्स का मान हम यहाँ पे एक लेके चलेंगे और इसको ध्रुवीय निरूपित करने के लिए x को हम क्या लिखते हैं r कॉस्टा और वाई को क्या लिखा जाता है आर साइन ठिटा एक्स का मान आर कॉस्टा और वाई का मान आर साइन ठिटा तो एक्स बराबर वन यानी कि इसका वास्तविक भाग एक बराबर आर कॉस्टिटा आर यहां पे क्या था बच्चों आर यहां पे जेड का मापांक था वाई बराबर वर्गमूल तीन आ जाएगा और बराबर आर साइन थीटा अब यहाँ पे आर का मान निकालना है बच्चों हमने आर का मान निकालने के लिए हम इन दोनों को चाहे तो आप आर का मान जेड से सीधा निकाल लो मोड जेड लिख के या फिर हम आर का मान ऐसे भी निकाल सकते हैं एक व दो को वर्ग करके जोड़ने पर एक व दो को दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ने पर तो एक में आर कोस थीटा का वर्ग करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा आर की दो गुना कॉस ठिटा की दो प्लस यहां पे इसका वर्ग करूंगा आर की दो गुना साइन ठिटा की दो बराबर यहां पे एक की दो एक ही लिखूंगा और वर्गमूल तीन की दो वर्गमूल तीन की दो कितना आएगा तीन तो यहां पे आर की दो अगर मैं कॉमन लिख लूँ बाहर क्योंकि आर की दो इसमें भी है और इसमें भी है अंदर क्या रह जाएगा कॉस की दो थीटा प्लस साइन की दो थीटा बराबर चार बच्चों ये क्या इसका क्या मान होता है एक तो आर की दो बराबर आ गया चार आर बराबर आ गया मेरे पास दो यहाँ पे हमने दो को धनात्मक प्लस का लेके चलना है क्योंकि जो आर था हमारे पास वो उस समकोण त्रिभुज का करण था जो हमेशा धनात्मक होगा तो आर बराबर हमारा क्या आ गया दो अब यहां परिटा का मान कौस्टिटा आर का मान निकाल लिया हमने तो कॉस्टिटा समीकरण एक में से अगर मैं कॉस्टिटा का मान निकालना चाहूं तो कॉस्टिटा क्या आ जाएगा एक बटे आर यानी कि एक बटे दो और इसी तरह से साइन ठिट्टा समीकरण दो से आ जाएगा मेरे पास समीकरण दो से साइन ठिट्टा वर्गमूल तीन बटे आर वर्गमूल तीन बटे दो आर कितना है दो तो वर्गमूल तीन बटे दो आ गया दोनों ही बच्चों धनात्मक हैं एक बटे दो और वर्गमूल तीन बटे दो तो एक हमने त्रिकोण अनुपात वाले अध्याय में सारणी की थी कौश ठिटा का मान है एक बटे दो और साइन ठीटा का मान वर्गमूल तीन बटे दो बच्चों कहां पे होता है जब थीटा का मान साठ डिग्री या फिर पाई बटे तीन रेडियन हो अब मेरे पास ठीटा का मान भी आ गया और आर का मान भी आ गया तो इसको हम ध्रुवीय रूप में लिखते हैं ध्रुवीय रूप क्या था जेड बराबर आर गुना में ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा तो आर का मान आ गया दो थीटा का मान कॉस बटे तीन भरेंगे प्लस आइटा साइन बटे तीन इसको हमने कौन के वैल्यू भर के लिख दिया थीटा जो आपका आर कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा थीटा का मान लिखना होता है और आर का मान लिखना होता है यहाँ पे इसको हम ध्रुवीय रूप बोलते हैं तो जेड बराबर एक प्लस वर्गमूल तीन आयटा का ध्रुवीय रूप क्या आ गया बच्चों दो गुना में ब्रैकेट के अंदर कोज बटे तीन प्लस आइटा साइन पाई बटे तीन ये पाई बटे तीन क्या था इस समिश संख्या का कोनांक कोनांक को हम किससे लिखते थे ए आर जी जेड से पाईबे तीन तो बच्चों आपको इस प्रश्न के अंदर अकेला कोनाक भी पूछा जा सकता है कि समिश्र संख्या जेड बराबर एक प्लस वर्गमूल तीन आयटा का कोनाक ज्ञात करो या फिर ध्रुवीय रूप ज्ञात करो दोनों में से कोई भी प्रश्न आपको आ सकता है यदि कोनाक पूछा गया कि इसका कोनाक ज्ञात करो तो आपने यहां तक निकालना है आइए एक और उदाहरण देखते हैं बच्चों उदाहरण दो समिश्र संख्या माइनस सोलह बटे एक प्लस वर्गमूल तीन आयटा को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित कीजिए तो बच्चों ये जो समिश्र संख्या है हमें यहाँ पे जो आयटा आ रहा है वो हर में आ रहा है तो इसको पहले हम इसके मानक रूप में बदलेंगे इसको ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए जितने भी इस तरह के प्रश्न आपके पास आएंगे नीचे आएगा तो पहले उसको आप मानक रूप में बदलोगे मानक रूप में बदलना हमने सीखा हुआ है माइनस सोलह बटे एक प्लस वर्गमूल तीन आयटा को मानक रूप में बदलने के लिए पहले यहाँ पे हम हर का प्रमेयीकरण करेंगे हर का प्रमेयीकरण करने के लिए बच्चों यहाँ पे आयटा प्लस का है तो यहाँ माइनस के चिन्ह से गुना और भाग करना है एक माइनस वर्गमूल तीन आयटा एक माइनस वर्गमूल तीन आयटा से गुना व भाग करना है माइनस सोलह बटे एक प्लस वर्गमूल तीन आयटा को एक माइनस वर्गमूल तीन आइटा से गुना वह भाग करने पर क्या आ गया मेरे पास माइनस सोलह गुना ऊपर अंश के अंदर वैसा ही रहेगा हर में क्या आ गया बच्चों एक प्लस वर्गमूल तीन आइटा गुना एक माइनस वर्गमूल तीन आइटा आ जाएगा हर के अंदर क्या आ जाएगा एक प्लस वर्गमूल तीन आइटा गुना एक माइनस वर्गमूल तीन आइटा तो यहाँ पर बच्चों ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र लगाएंगे ए प्लस बी गुना ए माइनस बी का जब सूत्र लगाओगे तो एक ही दो माइनस बी की दो आएगा इस एक ही दो ए मीन्स एक की दो आ गया एक माइनस आइटा वर्गमूल तीन पूरे की दो है तो आइटा की दो लिखा जाएगा और वर्गमूल तीन की दो करूंगा तो तीन ही आ जाएगा तो तीन आइटा की दो आ गया एक तरह से ये आइटा की दो का मान भरेंगे तो एक प्लस तीन ये कितना आ जाएगा चार इसको हल करोगे तो क्या आएगा बच्चों चार माइनस सोलह और चार आपस में कटेंगे कितने रह गए माइनस चार माइनस चार को अंदर गुना करोगे ब्रैकेट में एक और वर्गमूल तीन आइटा से माइनस चार गुना एक माइनस चार आ गया माइनस चार गुना माइनस करूँगा तो चार आए, प्लस का बन जाएगा चार आइटा वर्गमूल तीन आ जाएगा तो इसको करके हमने मानक रूप में बदला पहले मानक रूप में बदल के मान ये आ गया एक तरह से इसका ध्रुवीय निरूपण करना है यानी इसका करना है तो यहां पे एक्स का मान क्या आ जाएगा मेरे पास जब मैं इसको एक्स प्लस आइटा वाई के बराबर रखूंगा तो x का मान आ गया माइनस चार वाई का मान क्या आ जाएगा चार वर्गमूल तीन यहाँ पे आयटा नहीं लेना बच्चों जब भी हम इसको इसके बराबर रख के x और y का मान लिखते हैं तो आयटा नहीं लेना होता वास्तविक भाग वास्तविक के बराबर लिखते हैं x बराबर माइनस चार और काल्पनिक भाग अकेला वाई और यहाँ पे भी अकेला चार वर्गमूल तीन आयटा साथ में आपने नहीं लिखना होता देखिए अब यहाँ पे x आपका माइनस में है और y आपका प्लस में है y क्या है प्लस का तो जब एक्स माइनस का होता है और y प्लस का होता है तो वो कौन से चतुर्थांश में आता है द्वितीय चतुर्थांश में आ गया यानी कि आप में का जो ध्रुवीय निरूपण के लिए आर्गेट तल अगर मैं बनाऊँ इसका तो वो जो बिंदु है पी बिंदु वो यहाँ पे आएगा ये इतना कौन आपका इतना ये कौन आपका कोनांक या आयाम हो जाएगा अब ध्रुवीय निरूपण करने के लिए x बराबर क्या लिखते हैं r cos r थीटा थीटा x बराबर जैसे कि हमने पिछले प्रश्न में लिखा था तो माइनस चार बराबर और y बराबर क्या लिखते हैं r साइन थीटा तो का मान आ गया चार वर्गमूल तीन अब यहाँ से r का मान निकालना है आर का मान निकालने के लिए इन दोनों को वर्ग करके जोड़ेंगे दोनों तरफ वर्ग करके जोड़ने पर तो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा को वर्क करके जोड़ेंगे वो क्या आ जाएगा आर की दो गुना में साइन की दो थीटा प्लस कॉस की दो थीटा ये साइन की दो थीटा प्लस कॉस की दो थीटा हमारे पास एक होता है और इस तरफ दोनों तरफ वर्क करके जोड़ूंगा तो माइनस चार की दो प्लस चार वर्गमूल तीन की दो माइनस चार की दो कितना आ जाएगा बच्चों सोलह और चार वर्गमूल तीन की दो चार की दो यानी कि सोलह और वर्गमूल तीन का ती, तीन की दो मतलब तीन ही हो गया तो सोलह गुना तीन अड़तालीस अड़तालीस प्लस सोलह कितने हो गए चौंसठ यहाँ पे इसका मान कितना भरेंगे एक भरेंगे तो आर स्क्वेयर गुना एक आर स्क्वेयर हो गया आर का मान यहाँ से क्या आ जाएगा आठ आर का मान हमने प्लस का आठ लेना है क्योंकि जब यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगी तो आर जो है मापांक होगा उसका मापांक को हमेशा हमने प्लस का लेना है तो अब हमारे पास आर का मान आ गया इन दोनों समीकरणों से हमने अब थीटा का मान निकालना है तो थीटा बराबर एक्स बटे आर माइनस का एक बटे दो हो जाएगा और साइन थीटा बराबर वाई बटे आर वर्गमूल तीन बटे दो हो जाएगा कॉस् थीटा का मान माइनस का एक बटे दो आ गया और साइन थीटा का मान वर्गमूल तीन बटे दो आ गया अगर साइन थीटा का मान मैं पहले चतुर्थांश में देखूं, तो थीटा मेरे पास आता है साठ डिग्री यानी कि पाई बटे तीन रेडियन अब उसको हमने द्वितीय चतुर्थांश में देखना है कितना होगा अगर यहाँ पे इसको मैं थीटा मान के चल रहा हूँ प्रथम चतुर्थांश में तो द्वितीय चतुर्थांश में उसका मान पाई माइनस थीटा लेके चलते हैं द्वितीय चतुर्थांश में पाई माइनस थीटा लेके चलते हैं तो इस पाई बटे तीन को पाई में से माइनस करेंगे पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बटे तीन तो पाई माइनस पाई बटे तीन करूंगा तो दो पाई बटे तीन आ जाएगा दो पाई बटे तीन आपका कोनांक आ गया अगर ये थीटा आपका यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश में होता तो यहाँ पे हम थीटा माइनस पाई लेके चलेंगे और अगर ये चतुर्थ में आएगा तो माइनस का थीटा लेके चलेंगे ये वाला थीटा कौन सा है बच्चों जब वो पहले चतुर्थांश में होता तो यहाँ पे मेरे पास कोनांक ए आर जेड जो आ गया मेरे पास वो दो पाई बटे तीन आ गया तो जेड का ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा जेड बराबर आर गुना में ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस आईटा साइन थीटा तो आर का मान मेरे पास आठ आ गया था और थीटा का मान कितना आ गया दो पाई बटे तीन तो थीटा का मान दो पाई बटे तीन आर का मान आठ भरोगे आठ गुना ब्रैकेट में कॉस दो पाई बटे तीन प्लस आइटा साइन दो पाई बटे तीन आ जाएगा जो कि दी हुई समिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण है आइए बच्चों एक और उदाहरण देखते हैं उदाहरण तीन यदि x प्लस आई टा वाई बराबर ए प्लस आई टा बी बटे ए माइनस आई टा बी है तो सिद्ध कीजिए कि की x की दो प्लस वाई की दो बराबर एक है तो जो बच्चों दिया है x प्लस आइटा वाई बराबर ए प्लस आई टा बी बटे ए माइनस आई टा बी इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं अब समीकरण एक में दोनों तरफ आइटा को आपने माइनस आइटा में बदलना है यानी कि समीकरण एक में दोनों तरफ आपने सियुग्मी ले लेना है सियुग्मी में क्या करते हैं आइटा को माइनस आइटा में यानी आइटा का चिन्ह बदल देते हैं तो यहाँ पे प्लस का आइटा है तो ये माइनस का हो जाएगा एक्स माइनस आइटा वाई दाएँ पक्ष में भी आइटा का चिन्ह बदलेंगे a माइनस आइटा बी बटे नीचे माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा आइटा बी इसको समीकरण दो मान लो समीकरण एक को समीकरण दो से आपने गुना करना है तो एक्स प्लस गुना में एक्स माइनस आइटा वाई बराबर दाएं पक्ष को आपस में गुना करेंगे ए प्लस आइटा बी बटे ए माइनस आइटा बी गुना ए माइनस आइटा बी बटे ए प्लस आइटा बी तो बच्चों दाएं पक्ष में देखो ये ए प्लस आइटा बी ऊपर है और ये नीचे है ये आपस में कट जाएंगे और ये वाले ए माइनस आइटा बी और ये वाला ये भी ऊपर नीचे है ये भी आपस में कट जाएगा तो दाएं पक्ष में हमारे पास सारे के सारे पद जो हैं आपस में कट जाएंगे ये इसमें इससे कटेगा और ये

y की दो बराबर क्या आ गया एक अब आइटा दो का मान बच्चों क्या होता है माइनस का एक तो यहाँ पे माइनस का एक भरूंगा तो x की दो माइनस गुना माइनस का एक वो प्लस बन जाएगा बराबर एक यही हमने बच्चों सिद्ध करना था बच्चों आइए गृह कार्य देखते हैं गृह कार्य में आपने ये तीन प्रश्न हल करने हैं प्रश्न संख्या एक समिशर संख्या जेड बराबर आइटा माइनस एक बटे कॉस पाई बटे तीन प्लस आइटा साइन पाई बटे तीन को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित कीजिए प्रश्न संख्या दो समीशर संख्या एक प्लस दो आइटा बटे एक माइनस तीन आइटा का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए प्रश्न संख्या तीन यदि जेड वन बराबर दो माइनस आइटा है वह जेड टू बराबर एक प्लस आइटा है तो जेड वन प्लस जेड टू प्लस एक बटे जेड वन माइनस जेड टू प्लस आइटा इस पूरे का मापांक का मान ज्ञात कीजिए यानी कि इसके अंदर आपने जो z1 वन और z2 टू का मान दिया है वो भर के इसको हल करना है बच्चों, उम्मीद करता हूं ये अध्याय आपको समझ आ गया होगा धन्यवाद